तो आज हम लोग स्टूडियो का माध्यम से चार लोगों को यानी चार अधिकारियों को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। पहला राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य आज का ज्ञापन देने का अर्थ यह है कि हम लोग सबसे पहले भारत देश में हमारा आदिवासी हम लोग यहाँ रहते हुए आए हैं। इससे पहले हमारा जल जंगल जमीन को रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रशासन से लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चाँद भैरव और भी काफ़ी लोग लड़ाई लड़े हैं और ब्रिटिश पीरियड से ही हमारा झारखंड में जल जंगल जमीन के तहत हम ही का हमारा अधिकार है और CNT SPT एक भी बना है। तो हम यही बोलना चाहेंगे पारसनाथ मंदिर में, मंदिर का जो हमारा मारांगबुरु यानी जल जंगल जमीन जो जैन लोग आए हैं, जैन आने के पहले हमारा सुरक्षा कवच के तहत जो है SPT CNT एक के तहत जो है जल जंगल जमीन हमारा अधिकार का क्षेत्र के हैं। तो आज आज़ादी के बाद जो भी जैन लोग यहाँ आए हैं, बसे हैं, उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड क्षेत्र में हम लोग जो है आदि युग से हम लोग जाहिर पूजा, प्राकृतिक पूजा करते हुए आए हैं और हम लोग यहाँ मुर्गी बलि, बकरा बलि और भी विभिन्न तरह का जो भी हम लोग बलि देते हैं। पारसनाथ जो जहाँ हमारा मारांगबुरु है वहाँ भी हम लोग बलि देते हैं और बलि प्रथा हमारा चलते हुए आए हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आज हमारा जो पारसनाथ मंदिर पूर्वजों का दिया हुआ हमारा अधिकार है, जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है, बिरसा मुंडा हमारा अधिकार को देके गए हैं, तिलका मांझी अधिकार को देके गए हैं और इसमें घुसपैठ हुआ है, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हम आह्वान करना चाहते हैं कि पारसनाथ मंदिर के अगल बगल जो भी आदिवासी हैं वो लोग एकजुट हो जाएं, इधर से पूरा झारखंड के लोग जो है एकजुट हो जाएं कि आज हमारा मारांगबुरु जहाँ पर जो है पारसनाथ वही मुख्य उनका ये है और हमारा जो बड़ा देवता मारांगबुरु उसका रक्षा के लिए उस माने पहाड़ को, उस जाहिरा को रक्षा के लिए हम लोग तन मन धन के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए जो भी और एक लड़ाई लड़ना होगा, क्रांति करना होगा, जैसे सिद्धू कानू, चाँद भैरव, बिरसा मुंडा लड़ा है, उसी तरह इस युग में, आज़ादी के युग में हम लोग सब लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ आज हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं और आगे का लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। सबको मेरा तरफ से हुल जोहार।